हेलो, वेलकम टू हमिंगबर्ड। आज हम एक क्रीम बनाएंगे जो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन उसके फायदे अनगिनत है। 100% रिजल्ट देने वाला है ये ऑथेंटिक आयुर्वेदिक क्रीम है, और इतना बनाना इजी है कि आप सब बड़े बड़े महंगे महंगे क्रीम भूल जाएंगे। चलो तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये चंदन पाउडर ली है, पर ये शादी वाली चंदन पाउडर नहीं है, ये रक्त चंदन पाउडर है। इसके गुणधर्म कई है। ये पहले तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है, और जब भी जिन आपको पिंपल्स आते हैं और उसके मार्क्स आपके चेहरे पे रह जाते हैं, वो हटाने के लिए ये बहुत काम आते हैं। ये एंटी एजिंग है, कूलिंग इफेक्ट देता है, गर्मी के लिए, गर्मियों में भी ये बहुत काम की चीज़ है। तो पहले मैं 2 चम्मच रक्त चंदन पाउडर मैं डिला रही हूँ। भले ही इसका असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतने पावरफुल है कि आप बोलेंगे कि पहले से मैंने क्यों नहीं ये लगाए। अभी ये है जो मुलेठी बोलते हैं, लिकोरियस, ये मुलेठी मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ये एंटी एजिंग है, एंटी बैक्टेरियल है, ये दोनों मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लिया है। अभी क्या करने का है आपको, ये भिगा लेने के लिए आइदर आप डिस्टिल वाटर यूज कीजिए, नहीं तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये रोज वाटर है, मैं ये रोज वाटर 2 से 3 चम्मच मैं रोज वाटर ले रही हूँ। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप डिस्टिल वाटर ले लें, लेकिन नल का पानी प्लीज नहीं लेना। मिक्स 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 करते रहना है आपको, ये पूरा उसमें गल जाना चाहिए। अभी हम क्या मिलाएंगे इसमें जो अपने स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, ये एक ग्लिसरीन हम लोग इसमें मिला रहे हैं 2 चम्मच। मॉइस्चराइज दिन भर रहती है, और कोई लगाने की क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मिक्स करते रहना है आपको, ये देखिए इस प्रकार। और हमारा सदाबहार एलोवेरा जेल, जिसके फायदे ही फायदे हैं, ऐसे भी एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम इसमें मिक्स करें। तो ये एलोवेरा जेल है, ये मैं 2 चम्मच इसमें मिक्स कर रही हूँ। अच्छी क्वालिटी की एलोवेरा जेल लेनी है, डुप्लीकेट नहीं लेनी है, आप जरा देख के जज करके एलोवेरा जेल उसमें यूज की। ये देखिए हमारी क्रीम बनते ही जा रही है अच्छी तरह से, मिक्स करना है अच्छे से। अब एक तो ऑयल रह गया जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास है तो ज़रूर ज़रूर डालिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो मैंने ये लगभग 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल डाला है। विटामिन ई ऑयल डाल के हो गया। अभी ये है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल से एक ऐसे नेचुरल ग्लो आपकी स्किन पर आएगा। ये मैंने 1 चम्मच इसमें आलमंड ऑयल यूज़ किया। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसमें कौन सा भी कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। ज़्यादा डालना नहीं है कोकोनट ऑयल, नहीं तो पिंपल्स आते हैं ऑयल से, इसलिए ऑयल थोड़ा कम ही डालना है, ठीक है। अब मैं इसमें खुशबू के लिए और सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। कितने 2-3 ड्रॉप्स उसमें डालने हैं आपको। यह है सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल। हाँ, बहुत ही सुंदर खुशबू इसको आ रही है, मस्त बना है अपना क्रीम। बस और क्या करना है, रात को सोने के पहले लगाओ, आधा घंटा चेहरे पे रखो, चेहरा गुनगुने पानी से धो डालो। अगर नहीं करना है तो नहाने के पहले डालो। आप पूरे बॉडी पर भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसका इफेक्ट इतना अच्छा है कि आप 15 दिन के बाद मेरे को कमेंट करके बोलेंगे कि मैम कितना अच्छा है। देखिए ऐसा करके आपको स्किन में वो डीप करना चाहिए, एब्सॉर्ब होना चाहिए अच्छी तरह से स्किन में। इसी प्रकार आपको ये लगाना है, आधा घंटा स्किन के ऊपर छोड़ना है, और फिर गुनगुने पानी से धोना है। आप इसका इफेक्ट जरूर जरूर देखेंगे। आप ये बाहर भी स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए, फ्रिज में तो 4 महीना आराम से रह जाएगा। खाली ध्यान रखें कि इसमें कोई गीला चम्मच नहीं डाले, और कोई गीला पानी के साथ उसका कॉन्टैक्ट ना हो। अगर आप बहुत बिजी हैं, काम पे जाते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं हूँ ना, आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हैं, मैं आपका ऑर्डर भिजवा दूँगी। ऐसे ही ऑथेंटिक आयुर्वेदिक रेसिपी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू।